यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA San Andreas। तो गाइस, जैसे कि आपको पता ही होगा कि यार हमने एक नया घर ले लिया था GTA San Andreas में, जो कि बहुत छोटा था भाई। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यार हमारे पास बहुत छोटा ही घर है भाई। तो मेरे पास यार कुछ दिनों से पैसों की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं पैसे इन्वेस्ट नहीं कर पाया। पर अभी गाइस मैंने बहुत से यार मिशन किए, मतलब कि बहुत यार एम्बुलेंस वाले मैंने बहुत मिशन किए भाई। तो अब आप देख सकते हैं मेरे पास कितने सारे पैसे हो गए, कम से कम $2 लाख मेरे पास हो चुके हैं। तो $1 लाख का भाई भाई साहब वो घर है। मैं आपको पहले उसकी लोकेशन बता देता हूँ। तो भाई मैंने पहले से ही उसको मार्क किया हुआ है, वो घर है। हाँ तो भाई ये वाला वो घर है जो हमें लेना है अभी। तो गाइस चलते हैं पहले उसी दिशा में। तो पहले हमें भाई एक मतलब कि कार लेनी चाहिए, तो कार ये बेस्ट है हमारे लिए, किसी की चोरी कर लेते हैं। चलो भाई अभी चलते हैं कार में उसकी और। चलो भाई इसकी कार हमने चोरी कर ली। अभी चलते हैं भाई हमारे नए वाले मेंशन में। तो भाई पहले मैं आपको घर दिखाऊंगा। और यार मैं गलत आ गया, शिट। क्योंकि भाई यार हमने भी एक नई कार लेनी, जैसे लंबोर्गिनी सियान होती है भाई, वो उसके जैसी कोई तकड़ी सी कार भाई हमने लेनी है। तो भाई आप मुझे कमेंट में बताना कि मैं कौन सी कार मुझे सूट करेगी, मैं कौन सी लूँ भाई। यार प्लीज़ कमेंट में बता देना, उस वीडियो को लाइक ठोक देना भाई। और भाई साहब ब्रेक नहीं लगी यार, सेट ये ब्लास्ट नहीं करूँगा। और रे यार मेरी ड्राइविंग कुछ ज़्यादा ही गलत है आजकल। तो भाई साहब जी, पहले तो मैं यार इन रोड्स में कभी आया नहीं, बहुत कम ही आया हूँ भाई, मुझे इसका रास्ता सही से पता नहीं है। लेफ्ट और राइट ले लेते हैं। अभी आगे भाई ये तो बंदा अभी कहाँ से जा रहा है। अबे अबे क्या कर रहा है अबे, तुझे मेरी पावर का अंदाजा नहीं है। $2 लाख मैं अपनी जेब में ले लूंगा। अबे ये क्या कर रहा है भाई, तेरी भैंस के टांग भाई 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 भाई, मैं तो ज़्यादा ही कॉल कर रहा हूँ। तो गाइस अभी तक मैं मेन मार्केट में आ चुका हूँ, अभी मैंने जाना उस घर की ओर। वैसे शिमला वाली रोड है यार, बिल्कुल शिमला वाली रोड है। ओ भाई साहब जी, तो गाइस यार यहाँ पर घर बहुत ज़्यादा ही महंगे हैं यार, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। जैसे कि यार GTA 5 में वाइन रोड का एरिया बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अबे ये टैक्सी वाले भाई क्या कर रहा है भाई, वो देखियो तेरी क्या है यार, सारे बंदे अपनी अकड़ में घूम रहे हैं जैसे पता नहीं क्या ही होते हैं। यहाँ से यार देख के डरना पड़ेगा, कोई बात नहीं थोड़े कैमरे एडजस्ट कर लेते हैं। चलो भाई अभी चलते हैं उसी एरिया में। तो गाइस ये है हमारा वो वाला घर, तो इसका वैसे यही है शायद, एक होता रास्ता ही है भाई साहब इसका, मैं हमेशा ही भूल जाता हूँ यार। मैं पिछली बार आया, मुझे ये घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया भाई। इसका एरिया मतलब कि अलग ही है भाई, अमीरों का ये है। मैं शायद हाँ तो ठीक है, ये हाँ यही रोड है वो। तो गाइस अभी मैं अपने ये वाले घर में जो एंटर करने वाला हूँ। कहाँ पर है भाई साहब इसका मेन गेट, कहाँ पर है भाई। यहाँ पर एक बार कार को पार्क कर लेते हैं। और भाई साहब ये है हमारा गैरेज, ठीक है। तो आपको वैसे वो देखो सामने वो झरने की आपको आवाज़, मतलब कि आवाज़ तो आ ही रही होगी यार, बहुत तगड़े वाला झंडा है झरना है। तो भाई साहब आगे देख लेते कि यार कहाँ पर है हमारा ये गेट वगैरह। तो ये है गाइस हमारा गैरेज, जो कि अभी शायद नहीं खुलेगा। तो भाई यार ये हमारा गैरेज जो कि शायद अभी नहीं खुल रहा है। तो भाई साहब ये किसकी कार खड़ी है, अच्छा कार नहीं है, ओके। तो गाइस ये हमने ये वाला घर ले लेना है, टैप को परचेज कर लेते हैं। तो भाई साहब ये हमारा एक नया घर हमने जो है बॉट कर लिया है। तो भाई इस घर को हम अभी एक्सप्लोर करेंगे, चलते हैं पहले भाई घर के अंदर, आपको पूरा घर दिखा देते हैं।
ओ भाई साहब क्या ही आलीशान घर है यार। भाई साहब पहले यहाँ पर ड्रिंक भी पड़ी हुई है, ये तो मैं पिज्जा भी पड़ा हुआ भाई। ये कौन है यहाँ पर पार्टियां पुटियां करके गया? मुझे लगता है किसी का और का घर होगा जो हमने खरीदा भी। तो गाइस आप कमेंट में यार जरूर बताना कि आपको ये घर कैसा लगा। मेरे हिसाब से तो मेरे लिए यार भाई बहुत अच्छा घर है वैसे। तो भाई साहब चलते हैं एक और कमरे में। ये कौन सा कमरा है भाई? तो बाहर आ गए। अच्छा तो हम बाहर आ गए, वही वाला गेट है ये। तो भाई उस वाले हम कमरे में चलते हैं। ये शायद से मेरा ड्रेसिंग रूम होगा। हाँ ये हमारा ड्रेसिंग रूम है, इससे बाहर ही आ जाते हैं। हमारे पास इतने कोई कपड़े हैं नहीं यार, कपड़े भी हमने खरीदने हैं। हाँ ये डोर मुझे लगा कि लॉक है। ठीक है ये हमारा बेडरूम होगा भाई। अच्छा ही है यार, बहुत सही है यार, घर तो बहुत सही है। एक और बेडरूम ये भी भाई बहुत बेडरूम है यार, गेस्ट वेस्ट पूरे हमारे ऐश करेंगे भाई हमारे घर में। आलीशान घर तो है यहाँ पर इस घर को तोड़। अच्छा तो भाई वॉशरूम। बाथरूम कितना सही है यार, वॉशरूम है, बहुत अच्छा है यार। तो ठीक है भाई, यहाँ पर तो वैसे मेरा फिलहाल कोई काम नहीं है, कभी अगर कोई एसिडिटी हो तो मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। एक और से बेडरूम है। तो भाई ये यहाँ पर हमारे 3 बेडरूम है। तो यार जो गैराज था हमने वहाँ पर एक नई, यार हमारी एक नई कार खरीदेंगे उसको लगाएंगे। तो पहले हम घर के बाहर चले जाते हैं भाई। हमने वो भी स्विमिंग पूल भी शायद से इस घर में होगा, मैंने यार पिछली बार देखा था। अभी मैं बाहर चला जाता हूँ, पहले इसका स्विमिंग पूल देख लेता हूँ भाई। तो जैसे कि वो हमारी चोरी की हुई कार खड़ी है, तो यहाँ पर हमारे गैरेज में ये कार हम खड़ी कर देते हैं एक बार। यार सिंपल सी कार है, कई बार अंदर जाना होगा यही ढूंढ लेंगे। तो ये हमारा से शायद से गैरेज, हाँ शायद से क्या गैरेज ही है भाई। इसको हम बंद कर लेते हैं और चलते हैं भाई अगली। और भी हमारा घर कितना कुछ अच्छा है। तो भाई साहब जी ये है हमारी बालकोनी, तो ये हमारा स्विमिंग पूल। तो भाई साहब यहाँ पर हम तैर तुर सकते हैं शायद से। हाँ ये ठीक है भाई, ठीक है, बहुत सही घर मिला है भाई मुझे। 1,20,000 डॉलर, 20,000 डॉलर्स का, बहुत अच्छा ही घर है यार। वो ये लाइट्स वगैरह बियर भी पड़ी हुई है भाई। यहाँ पर बियर वगैरह पड़ी हुई है पानी का और यहाँ पर टैंक। पानी का वो कैंटर सा भरा हुआ है। और यहाँ पर भाई आगे ये ठीक है। तो भाई साहब अभी मैंने आपको सारा घर एक्सप्लोर करवा दिया है, तो आगे भी मैं आपको ये, और ये भाई हमारा बैठने उठने का जो होता है रूम, रूम टूरिस्ट क्या आ रहा है, मतलब टूरिस्ट क्या? हाँ हट। टूरिस्ट, ओके टूरिस्ट आए हुए हैं हमारे घर में। इसको शायद से हमें भगाना होगा मुझे लगता है। तो भाई साहब आप व्यू देख सकते हैं कि यार हमारी प्यारी सी लॉस सैंटोस की सिटी का, बड़ी अच्छी सिटी है यार। अभी हमारे पास गाइस 3 घर हो चुके हैं। पहले वाला घर जो हमें इसने दिया था राइडर ने रहने के लिए जब हम मिशन करते थे, दूसरे वाला घर गाइस हमने बाद में खरीदा था और गाइस हम झरने के बीच नीचे आ चुके हैं, और तीसरे वाला घर हमने खरीदा है जो कि गाइस बहुत अपने में अच्छा ही है यार। तो अगली वीडियो में गाइस हम खरीदेंगे एक नई सी, मतलब अपने लिए कार खरीदेंगे यार, अच्छी सी लग्जरी कार खरीदेंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मुझे कौन सी कार खरीदनी चाहिए। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय।